अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मिशन मैथमेटिशियन यूट्यूब चैनल। डी में जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग एक्सरसाइज 3.7 की बात कर रहे हैं, उसके अंदर ये जो हमारे पास पोर्शन जा रहा है डिफरेंशिएटिंग इम्प्लिसिटली, इसके अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग उन लेक्चर्स को देखना चाहते हैं तो उनका लेक्चर ऑब्वियसली नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और यहाँ पे आई बटन में भी जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। अगर मैं आज के लेक्चर की बात करूँ तो आज के लेक्चर में इसके बाद वाला जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक बात करूंगा। क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 और क्वेश्चन नंबर 18, चारों के चारों क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व करूंगा। आपने वीडियो को आखिर तक देखना है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाल बटन को प्रेस नहीं किया, प्रेस कर लें, बेल के बटन को भी प्रेस किया ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो लेकर आता हूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए जी, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। कहते जी डी आर ओवर डी थीटा आप लोगों ने यहाँ पे फाइंड करना है। उसने क्वेश्चन क्या दिया, वो जी थीटा की पावर 1/2 प्लस आर की पावर 1/2 विच इज इक्वल टू 1। इसके अंदर भी हम लोगों ने वही प्रोसेस करें जो हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुके हैं। हम लोगों ने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है थीटा के रिस्पेक्ट से, और हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड में भी इसका डेरिवेटिव लेना है और राइट हैंड साइड पे भी इसका हमने थीटा के रिस्पेक्ट से इसका डेरिवेटिव लेना है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बाद में डी आर ओवर डी थीटा को एक साइड पे रखेंगे और डी आर ओवर डी थीटा की वैल्यू निकालेंगे, इसका आंसर निकालेंगे। तो देखें जी, सबसे पहले इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इसका अगर हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे उसके पावर मौजूद है तो पावर लगेगा, तो पावर आ जाएगी पीछे, और थीटा की पावर में एक माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा -1/2 प्लस। अब इसका अगर डेरिवेटिव लेते हो तो ये बनेगा 1/2 पीछे आ जाएगा, आर की पावर में एक माइनस करेंगे तो आर की पावर -1/2 बन जाएगा। अब दोबारा से आर का डेरिवेटिव लेंगे तो वो बनेगा डी आर ओवर डी थीटा, ये बनेगा जी डी आर ओवर डी थीटा, ठीक है जी। अब यहाँ पे भी हमने थीटा का डेरिवेटिव लेना था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे बटे में ऑलरेडी थीटा था तो इसका डेरिवेटिव 1 होना था, इसलिए हम यहाँ पे लिखें या ना लिखें कोई मसला नहीं। लेकिन यहाँ पे जब हमने इसका डेरिवेटिव लिया तो दोबारा से हमने आर का डेरिवेटिव लेना है, तो क्योंकि ये थीटा के रिस्पेक्ट से ले रहे हैं तो फिर थीटा के रिस्पेक्ट से आर का डेरिवेटिव क्या होगा, डी आर ओवर डी थीटा होगा, 1 नहीं होगा। उसके बाद इक्वल टू 1 कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेंगे वो आपका 0 के बराबर आ जाएगा। अब आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं, इसको अगर लिखना चाहें, इसको आप ऐसा करें, इसको उधर लेके चले जाए, इसको इधर ही रहने दें, इसको लिख लें आप लोग 1/2 स्केयर रूट आर डी आर ओवर डी थीटा विच इज इक्वल टू, इसको आप उधर लेके चले जाएंगे तो ये बन जाएगा -1/2, इसको थीटा को भी नीचे लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा जी स्केयर रूट ऑफ थीटा, क्योंकि ऊपर -1/2 का तो नीचे जाएगा तो थीटा 1/2 बन जाएगा, 1/2 का मतलब स्केयर रूट होता है। अब आप लोग क्या करेंगे, ये डी आर ओवर डी थीटा यहाँ से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, डी आर ओवर डी थीटा विच इज इक्वल टू, अब ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा होता तो जाके मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, से बनेगा 2 × स्केयर रूट आर, साथ माइनस भी है ओवर, ये जी आपके पास 2 × स्केयर रूट थीटा। अब आपके पास क्या बनने जा रहा है जी, 2 के साथ जब कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा जी डी आर ओवर डी थीटा विच इज इक्वल टू -√r/√θ। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। कहता है जी आर -2 × √θ विच इज इक्वल टू 3/2 थीटा की पावर 2/3 प्लस 4/3 और थीटा की पावर यहाँ पे 3/4 है। तो यहाँ पे देखें जी आपके पास क्या बनने जा रहा है, यहाँ पे आप लोग डेरिवेटिव लेंगे डी आर ओवर डी थीटा के रिस्पेक्ट से, यहाँ पे आप लोग डेरिवेटिव लेते हैं तो आर का डेरिवेटिव आपके पास क्या बनेगा जी डी आर ओवर डी थीटा माइनस, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लेंगे तो उसको लिखें जी डी ओवर डी थीटा 2 × थीटा को लिख लें जी स्क्वायर रूट खत्म करके ऊपर लिख लें 1/2, ठीक है। हम इसका दोबारा इसका डेरिवेटिव बाद में लेते हैं, हमने कहा कि स्क्वायर रूट की जगह पे 1/2 लिख लिया ताकि इसको इजीली इसको हम इसका डेरिवेटिव ले सकेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा, 2/3 पावर रूलर 2/3 पीछे आ जाएगा, ये पहले 3/2 है और 2/3 पीछे आ जाएगा, और थीटा की पावर में एक माइनस करेंगे 2/3 -1 करेंगे तो ये आएगा जी -1/3, तो लिखें यहाँ पे -1/3 प्लस, इसी तरह ये 4/3 वैसे का वैसे आएगा, 3/4 पीछे आ जाएगा, डेरिवेटिव लेंगे तो थीटा की पावर में एक माइनस किया तो ये बन जाएगा जी 3/4 में से एक माइनस करेंगे तो यहाँ पे चेक करते हैं क्या आता है जी, 3/4 -1 करते हैं तो ये आएगा आपके पास 3 − 4 − 1/4, तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है जी 3/4 -1 किया तो यार -1/4, तो यहाँ पे आएगा जी आपके पास -1/4 आएगा। अब नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा जी, सिंपल सा ये क्वेश्चन है, ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं है।
तो यहाँ पे देखिए डी आर ओवर डी टी था, तो वैसे के वैसे लिख लें आप लोग इसको, यहाँ पे डी आर ओवर डी टी था वैसे का वैसे लिखा, माइनस ये इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वन ओवर टू पीछे आ जाएगा, ये बनेगा जी माइनस टू वैसे का वैसे, और वन ओवर टू जब पीछे आएगा और थीटा की पावर में वन ओवर टू में एक और माइनस करेंगे तो माइनस वन ओवर टू बन जाएगा, थीटा की पावर में बन जाएगा माइनस वन ओवर टू इक्वल पे, ये टू टू से कैंसिल हो जाएगा, थ्री थ्री से कैंसिल, ये थ्री थ्री से कैंसिल, फोर फोर के साथ कैंसिल, तो ये बचा जी आपके पास थीटा की पावर, इधर बचा थीटा की पावर माइनस वन ओवर थ्री प्लस थीटा की पावर माइनस वन ओवर फोर, ये चीज़ आपके पास यहाँ पे रह गई। अब देखें जी नेक्स्ट आपके पास क्या होने जा रहा है, ये टू को टू के साथ आप लोग कैंसिल कर सकते हैं, तो ये बचा जी डी आर ओवर डी थीटा विच इज इक्वल टू, अब इसको भी आप लोग उधर लेके जाना चाहे तो उधर लेके जा सकते हैं, माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, थीटा की पावर माइनस वन ओवर टू प्लस थीटा की पावर माइनस वन ओवर थ्री प्लस थीटा की पावर माइनस वन ओवर फोर, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16, वेरी सिंपल वेरी इजी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 17 की, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है साइन टू आठ थीटा इज इक्वल टू वन ओवर टू, इसका भी आप हमने डेरिवेटिव लेंगे, तो डेरिवेटिव लेंगे तो साइन आठ थीटा का डेरिवेटिव होता है जी आपके पास कॉस इंटू आर थीटा, और दोबारा से आप लोगों ने डेरिवेटिव लेना है डी ओवर डी थीटा आर थीटा का, दोबारा से डेरिवेटिव लेना है तो वन ओवर टू कॉन्स्टेंट, इसका डेरिवेटिव आपके पास जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे आर थीटा, यहाँ पे ऑब्वियसली आपके पास पावर रूल लगेगा, अब पावर रूल क्या होता है, क्वेश्चन रूल क्या होता है, चेन रूल क्या होता है, लॉपिटल रूल क्या होता है, उसके बाद प्रोडक्ट रूल क्या होता है, क्वेश्चन रूल क्या होता है, सारे सारे रूल्स मैंने अपलोड किए हुए हैं, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ, यहाँ पे आई बटन पर भी जाके आप लोग चेक करें, लाजमी डेरिवेटिव के वाले लेक्चर देखें जाके। तो यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, तो ये तो आपके पास कॉस इंटू आर थीटा वैसे का वैसे आ जाएगा, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पहले आर वैसे का वैसे आ जाएगा, फिर थीटा का डेरिवेटिव लेंगे तो वन हो जाएगा, फिर प्लस लिखेंगे, फिर आर का डेरिवेटिव लेंगे तो आर का डेरिवेटिव तो डी आर ओवर डी थीटा, और थीटा का डेरिवेटिव वन होता है, ये चीज़ बन जाएगी विच इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। ठीक है जी, अब इनको आप लोग क्या करेंगे, इसको आप लोग ब्रैकेट में इस तरह से लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये है, ये इन दोनों को आपस में करेंगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा आर कॉस इंटू आर थीटा प्लस, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास क्या बनेगा जी, डेरिवेटिव लिया इसका डी आर, यहाँ पर थीटा बचेगा, यहाँ पर थीटा आना है, थीटा क्यों आना है, क्योंकि हमने आर का डेरिवेटिव लिया ना, तो आर का डेरिवेटिव डी आर ओवर डी थीटा, और थीटा वैसे का वैसे यहाँ पे आना है। ठीक है जी, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा थीटा कॉस इंटू आर थीटा डी आर ओवर डी थीटा विच इज इक्वल टू जीरो, ऑब्वियसली क्योंकि ये डी आर ओवर डी थी, इसको उधर ही आने, इसको आप लोग उधर लेके जा सकते हैं, तो ये बनेगा जी आपके पास थीटा कॉस आर थीटा डी आर ओवर डी थीटा विच इज इक्वल टू, इसको उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस आर कॉस इंटू आर थीटा बन जाएगा। ठीक हो गया जी, अब यहाँ से आप लोग डी आर ओवर डी थीटा निकाल सकते हैं, इसको उधर लेके आप लोग डिवाइड कर देंगे तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा जी डी आर ओवर डी थीटा विच इज इक्वल टू माइनस आर कॉस इंटू आर थीटा, और डिनोमिनेटर में आएगा जी थीटा कॉस इंटू आर थीटा। अब यहाँ पे देखें ऊपर भी कॉस आर थीटा, नीचे भी कॉस आर थीटा, अगर आप लोग चाहें तो कैंसिल भी कर सकते हैं, तो मैं अगर कैंसिल करता हूँ तो ये बन जाएगा जी माइनस आर ओवर थीटा, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट हम लोग आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, कॉस आर प्लस कोटेंजेंट थीटा विच इज इक्वल टू आर, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो कॉस का डेरिवेटिव लेंगे, सबसे पहले तो कॉस का डेरिवेटिव होता है जी माइनस साइन आर, अब आर का दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे तो आर का डेरिवेटिव यहाँ पे होगा जी डी आर ओवर डी थीटा प्लस, उसके बाद कॉट का डेरिवेटिव होता है जी माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा, और थीटा का दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे तो थीटा डेरिवेटिव यहाँ पे वन आएगा, क्योंकि हमने इसका डेरिवेटिव लेना थीटा के रिस्पेक्ट से, तो ऑब्वियस थीटा का डेरिवेटिव वन ही आएगा, आर का डेरिवेटिव लेंगे थीटा के रिस्पेक्ट से जो बनेगा डी आर ओवर डी थीटा, ये वन नहीं बनेगा क्योंकि हम थीटा के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे देखें जी क्या बनेगा, ये है जी आपके पास माइनस साइन आर डी आर ओवर डी थीटा प्लस माइनस माइनस, ये बन जाएगा जी कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा विच इज इक्वल टू डी आर ओवर डी थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे जी, माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा को आप लोग इधर ही रहने दें, डी आर ओवर डी थीटा वाली को साइड पे लेके चले जाएं तो ये बनेगा माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा विच इज इक्वल टू, ये जी आपके पास डी आर ओवर डी थीटा, उसको उधर लेके जाएंगे ये बन जाएगा प्लस साइन आर डी आर ओवर डी थीटा बन जाएगा। अब हम लोगों ने क्या करना है जी, डी आर ओवर डी थीटा दोनों तरफ मौजूद है, यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये वैसे का वैसे आएगा जी माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा विच इज इक्वल टू डी आर ओवर डी थीटा, अगर हम कॉमन लेते हैं
ये बनने जा रहा है जी 1 प्लस साइन आर। अब क्या करेंगे जी, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये नीचे इधर इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बनेगा माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा ओवर 1 प्लस साइन आर विच इज इक्वल टू डी आर ओवर डी थीटा। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। तो यही था जी आज का हमारा लेक्चर है, हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया बड़े ही तहम्मुल के साथ, बड़े इजी वे में वे के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर इस तरह के मजीद इंटरेस्टिंग और इजी लेक्चर्स आप लोग देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाजम सब्सक्राइब किया करें। अपना भी ख्याल रखा करें, इस चैनल का भी ख्याल रखा करें। मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, वो वहाँ पर जाकर लाजमी फॉलो कीजिए। मिलकर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।